कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में नतीजे जो पेश किए हैं वो ठीक ठाक हैं। सालाना आधार पर करीब 6% 6.5% की रेवेन्यू ग्रोथ है और 11% से ज़्यादा एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। 21.4% का मार्जिन है और मुनाफा 13.5% बढ़ के आया है। कंपनी के वॉल्यूम में भी 11% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। बातचीत करते हैं कंपनी के CMD संजय स्वरूप से। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका आवास पर। संजय सर जी, पहले तो एक वो सवाल जो आज बहुत चल रहा चर्चा में, वो बताइए कि आपको एक डिमांड नोटिस आया क्या लैंड लीज के लिए रेलवे से? नहीं, ऐसा कोई हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है मेरी जानकारी के हिसाब से। बाकी जो इसका हमारा जो लैंड लाइसेंस फीस का इश्यू है वो हमने रेलवे के साथ सुलझा लिया है। इसमें हर साल हमें 7% की ग्रोथ रेलवे में रेलवे को देनी है। ऐसा कोई नोटिस मेरे विचार से कोई प्राप्त नहीं हुआ है हमें। ऐसा कोई नोटिस आया ही नहीं है और आपने रिजॉल्व क्या किया है सर? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नोटिस नहीं है। बाकी जो हमने लैंड लाइसेंस फीस का जो इश्यू है वो हमने मतलब पूरा रिजॉल्व कर रखा है रेलवे के साथ। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई शक या डाउट की गुंजाइश नहीं है और उसके हिसाब से हम रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। यानी कोई नोटिस नहीं आया है, पहले से जो मामले थे उसमें आप पहले के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और नया कोई इश्यू रेज नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं सर, राइट? जी 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 जी। ओके, दूसरा सवाल ये बताइए सर कि वॉल्यूम जो आपने गाइडेंस दी थी उससे कम है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन कम है। इस साल कितना वॉल्यूम करने की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले साल जो हमारा वॉल्यूम्स कम हुआ था, बेसिकली वो जियो पॉलिटिकल उसके रीजंस थे, उसकी वजह से हम लोग उतना अचीव नहीं कर पाए। लेकिन इस साल हमें एग्जिम में 15% ग्रोथ और डोमेस्टिक में 25% ग्रोथ हम करेंगे, जो कि ओवरऑल करीब 18-20% की ग्रोथ रहेगी। इसमें हमने कई इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम ला रहे हैं जिससे कि हमें ज्यादा वॉल्यूम करने में सहायता मिलेगी। आप कह रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ यहां से वॉल्यूम में? सॉरी, आप कह रहे हैं कि यहां से जो इस साल जो कि उससे दुगनी ग्रोथ करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल हमारी ग्रोथ 18-20% रहेगी जो कि करीब करीब दुगनी रहेगी। कैसे सर, मतलब कैसे आएगी, थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए हमें, कैसे लाएंगे ग्रोथ, मतलब किस किस सेगमेंट से आएगी? हाँ देखिए, हम एक नया हम डोमेस्टिक में एक हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि बल्क सीमेंट इन टैंक कंटेनर्स जो कि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे कि हम सीमेंट बल्क में एक बहुत बड़ा बिजनेस डोमेस्टिक में ऐड होगा जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ लाएगा। उसके अलावा हमने जो नए टर्मिनल हम कमीशन कर रहे हैं उसमें हमें और एडिशनल बिजनेस मिलने की पूरी उम्मीद है, कस्टमर्स से हमारी बात हुई है। और तीसरी चीज जो है वो JNPT में अभी डबल स्टैक शुरू होने में टाइम लगेगा, लेकिन JNPT के पास में बड़ौदा के पास हमारा एक टर्मिनल है वरनामा, वहां पे हम वहां तक डबल स्टैक लेके जाएंगे दादरी से, जो कि हम एक टाइम टेबल ट्रेन चलाएंगे जिससे कि हम साइजेबल बिजनेस रोड से रेल पे डाइवर्ट करने का हमें पूरा विश्वास है जो हम कर पाएंगे। तो इन तीन इनिशिएटिव की वजह से हमें उम्मीद है कि हम अच्छी ग्रोथ इस साल में रजिस्टर करेंगे। ओके संजय जी, दूसरा वाला जो इनिशिएटिव आपने बताया कि कई सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, अगर आप मुझे नाम नहीं बता सकते तो कम से कम सेक्टोरली बताइए किन से बात हो रही, किस किस तरह के, जो सीमेंट को छोड़ करके जहां से आप बिजनेस ले पाएंगे? देखिए, इसमें सीमेंट है, फिर उसके बाद टाइल्स की इंडस्ट्री है जिनसे हमारी बात हो रही है, फिर जो ये इंपोर्ट आता है वेस्ट पेपर का, स्क्रैप का, फिर जो मीट के जो एक्सपोर्ट होता है, इन सब लोगों से हमारी बात चल रही है और कंटिन्यूअस बात होती रहती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने फोल्ड में। ओके, थोड़ा एम्बिशियस लग रहा था लेकिन आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं क्योंकि डबल सीधे सीधे वॉल्यूम यहां से आप कर लेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये जो मार्जिन इस साल पूरे एनालाइज बेसिस पे है, क्या ये सस्टेन करेंगे सर आप? देखिए, हम एबिटा करीब 25% मेंटेन कर रहे हैं, कई सालों से आप देख रहे होंगे हम 25% एबिटा मेंटेन करते हैं। तो ये कंपनी की हमारी फिलॉसफी रही है कि हम कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग आवर मार्जिन। यही फिलॉसफी हम आगे भी कायम रखेंगे।
और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना एबिटा 25% के आसपास ही रखेंगे, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, इसमें मार्केट शेयर कितना आप कमांड कर रहे हैं? इस समय हमारा 60-65% के बीच में मार्केट शेयर हम हमारे कंपनी का है। ओके संजय जी, रोड सेक्टर से आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा? इतने हाईवेज वगैरह बन गए, इतना स्मूथ हो गया है और रोज एक नया हाईवे खुल जाता है। देखिए, रोड सेक्टर से मतलब कंपटीशन मिलता है, लेकिन जो हमने वेरियस इसमें सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस करी हैं, उसकी वजह से हमें मतलब काफी बिजनेस मिल जाता है। एक तो रेलवे के सहयोग से हमने एक फ्रेट एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करी है, जो कि टाइम टेबल ट्रेन है, जो कि अपने कंट्री में पहली बार हुआ है कि टाइम टेबल ट्रेन दादरी जो हमारा टर्मिनल है वहां से मुंद्रा पोर्ट के लिए चलती है और 38 घंटे में वो 1200 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेती है और कस्टमर्स को बहुत इसमें सुविधा हो गई है कि उनका एक्सपोर्ट का वेसल वो कैच कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। प्लस हमारे जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसमें हम वैल्यू एडिशन करते हैं कार्गो का, तो ये सब चीजों की वजह से कस्टमर्स जो हमारी सर्विसेज यूज करते हैं वो बहुत खुश हैं और वो कहीं और अपना कार्गो डाइवर्ट करना नहीं चाहते हैं, उस वजह से और भी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो संजय जी आप दो तीन बातें कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को रिवाइज कर दूं। एक तो वो कोई लैंड नोटिस नहीं मिला है, संजय सर की जानकारी में नहीं है, और जो लैंड का इशू था वो रिजॉल्व है और पहले के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, जो भी इंक्रीमेंटल रेट होगा उसके हिसाब से, और वॉल्यूम 18-20% करें जो करंट से लगभग लगभग डबल होगा, और 22-24% का एबिटा मेंटेन करेंगे, और साथ ही 3 नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ये वॉल्यूम होगा, और उसमें सीमेंट, टाइल्स, स्क्रैप, मीट, इस तरह के कारोबार से ज्यादा बिजनेस आने की संभावना है। राइट सर? जी बिल्कुल, एकदम ठीक। ओके संजय जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए फटाफट एक सवाल लेते हैं कॉनकॉर पे ही। कॉनकॉर पे क्या राय है आपकी सर्वेन जी? देखिए, अच्छा सेटअप चल रहा है कंपेरेटिव टू द मार्केट, आई थिंक आउट परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे और आउट परफॉर्मेंस जा रही थी। हम यही बोलते हैं कि भाई जिनके पास है बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, और लग तो रहा है ऊपर में कि और जूस बाकी है, तो 1120-1130 के स्तर मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट 8-10 वर्किंग डेज में आ जाएंगे, तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास डेफिनेटली एक बार दोबारा इसमें राय लेनी चाहिए, बट फिलहाल ट्रेड में है तो बने रहे, ट्रेड में है फिलहाल तो बने रहना चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।